और अब बात लोकसभा चुनाव की काउंटिंग की तैयारियों की। निर्वाचन विभाग की तरफ से मतगणना की तैयारियां आखिरी दौर में है और इसी कड़ी में जयपुर में अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। ये रिपोर्ट। लोकसभा के नतीजे आने में हो सकती है देरी। इस बार मतगणना में की गई है नई व्यवस्था। हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 बूथों के मतों का वीवीपैट पर्चियों से होगा मिलान। पर्चियों से मिलान की कार्रवाई नतीजों का बढ़ा सकती है इंतजार। राजनीतिक दल चाहते थे 50% वोटों का मिलान। जीत हार का अंतर ज्यादा तो नहीं पड़ेगा फर्क। कुछ हजार वोटों के फेर में रहा तो बदल भी सकते हैं नतीजे। चुनाव आयोग की ओर से इस बार लोकसभा चुनाव की मतगणना में हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 बूथों के मतों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करने की कार्रवाई नतीजों का इंतजार बढ़ा सकती है। लोकसभा चुनाव के मतों की गिनती 23 मई को होनी है। मतगणना के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू की जा चुकी है। इस बार मतगणना में वीवीपैट पर्चियों के मिलान की नई व्यवस्था शुरू की गई है। हर विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों की पर्चियों को रैंडमली मतगणना के नतीजों से मिलाया जाएगा। मतगणना एवं वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के नतीजों में अंतर मिलने का नतीजों पर असर पड़ सकता है। पूर्व में भी हर विधानसभा क्षेत्र से एक बूथ के मतों का वीवीपैट की पर्ची से मिलान अनिवार्य था। अब इसे बढ़ाकर हर विधानसभा क्षेत्र में 5 बूथ कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की मतगणना में 50% वोटों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों ने की थी। अनेक राजनीतिक दल इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं चुनाव आयोग ने इस बार मतगणना के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 बूथों के मतों का वीवीपैट से मिलान अनिवार्य कर दिया है। चुनाव आयोग की नई व्यवस्था का जीत हार का अंतर बड़ा होने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वीवीपैट की पर्चियों का मिलान नतीजों में बड़ा रोल अदा कर सकता है। इसका कारण है एक बूथ पर सामान्यतः 1000 से 1500 वोट होते हैं। 5 बूथों पर 5 से 7 हजार वोट होते हैं। यदि इनमें प्रत्याशियों के वोट और वीवीपैट के मतों की संख्या में अंतर मिला तो नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव परिणाम कुछ हजार वोटों के फेर में रहा तो नतीजे बदल भी सकते हैं। बहरहाल मतगणना के कुछ दिन ही शेष हैं और सभी को चुनाव नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। नई व्यवस्था से नतीजे आने में थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन सस्पेंस और रोमांच के बगैर चुनाव नतीजे जानने का मजा ही क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।